नवीन प्रस्तावित तहसील अमरपुर को लेकर मारकंडीय क्षेत्रीय संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम आवेदन कलेक्टर को प्रेषित किए हैं। विकास खंड मानपुर तहसील मानपुर जिला उमरिया के अंतर्गत प्रस्तावित नई तहसील अमरपुर के लिए क्षेत्रवासी 5 बिंदुओं को लेकर कलेक्टर को आपत्ति पत्र प्रस्तुत करते हुए इंदवा राजस्व वृत्त को तहसील बनाए जाने का अनुरोध किए हैं। खबर उमरिया जिले के मानपुर तहसील की है, जहां हाल ही में आजक विभाग मंत्री मीना सिंह के द्वारा अमरपुर को तहसील बनाने की घोषणा की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीणों ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव राजस्व विभाग ने नाम कलेक्टर उमरिया को ज्ञापन सौंपकर मीडिया से बताया कि नवीन प्रस्तावित तहसील ग्राम अमरपुर में जो बनाई जाने वाली है, वह कटनी जिले के सीमा पर ही तहसील मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो उचित नहीं है। अमरपुर में कुल ग्राम 83, पटवारी हल्का 37 है। सीमांत गांव होने के कारण एक किनारे है, क्षेत्र के लोगों के लिए असुविधाजनक है। भौगोलिक नक्शे में अवलोकन करने में स्पष्ट देखा जा सकता है कि जनता की सुविधा के लिए यह उचित नहीं है। अमरपुर में संलग्न पंचायतों के 90 सरपंच एवं BDC सहित जनता अमरपुर को तहसील बनाए जाने पर सहमत नहीं है। अरुण मिश्रा, राजेंद्र तिवारी। अरुण तिवारी ने हमारे संवाददाता से बताया कि इंदवार मानपुर तहसील की सबसे बड़ी पंचायत है, पुराना राजस्व ग्राम है, क्षेत्र मध्य में है, जिससे किसानों को पास में पड़ेगा आवागमन की समुचित सुविधा है। थाना है, राष्ट्रीय बैंक है, अस्पताल है, क्षेत्रवासी सभी इंदवार आते हैं। पर्याप्त शासकीय भूमि है, इसलिए इंदवार को तहसील बनाए जाना क्षेत्रवासियों के लिए न्याय संगत होगा। हम क्षेत्रवासी अमरपुर में तहसील बनाने में आपत्ति करते हैं। इंदवार में तहसील बनाए जाने को आवेदन प्रस्तुत किए हैं। वंदे भारत से अरुण द्विवेदी की रिपोर्ट। माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन भोपाल, श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल एवं प्रमुख सचिव राजस्व मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम से नवीन प्रस्तावित तहसील अमरपुर के लिए आपत्ति एवं इंदवार राजस्व वृत्त को तहसील बनाए जाने के विषय में अब हमारी ये मांग हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि अमरपुर तहसील के बारे में जो हमने आपत्ति लगाया है, उस आपत्ति पे गौर करें और हमारे बातों पे थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करें, क्योंकि इंदवार राजस्व क्षेत्र बहुत पुराना राजस्व क्षेत्र है। इसमें 14 पटवारी हल्के हैं, जबकि अमरपुर में 10 पटवारी हल्के हैं। अमरपुर राजस्व क्षेत्र 3 महीने से अस्तित्व में आया है, जबकि ये सभी केवल हमारे इधर चिल्हारी और इंदवार राजस्व क्षेत्र थे। इंदवार सबसे पुराना है और इंदवार पुराना राजस्व क्षेत्र है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे इंदवार में राष्ट्रीयकृत बैंक, कॉपरेटिव बैंक, थाना, पोस्ट ऑफिस, चिकित्सालय, सभी जो संसाधन तहसील के लिए चाहिए वो उपयुक्त है। और सबसे बड़ी बात, रोड से लगी हुई 2.5 एकड़ अराजी हमारे ग्राम इंदवार में उपलब्ध है। अतः हर तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए हमारे राजस्व क्षेत्र इंदवार को तहसील बनाए जाने की कृपा की जाए। 22/9/2023 को माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ नवीन प्रस्तावित तहसील मैं आपत्ति एवं राजस्व क्षेत्र इंदवार को तहसील बनाए जाने हेतु आवेदन दिया है। मेरा नाम डॉक्टर अरुण तिवारी है और मैं क्षेत्रीय संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूं, और हम जो है यहां पर आज माननीय कलेक्टर साहब को राज्यपाल के नाम से और श्रीमान मुख्यमंत्री जी के नाम से और प्रमुख सचिव राजस्व के नाम से आपत्ति यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे, और हम अमरपुर तहसील जो बन रही है उस पर आपत्ति लगाने के लिए आए हैं और इंदवार को तहसील बनाए जाने का निवेदन करने के लिए आए हैं। एक्चुअल में क्या है कि जो अमरपुर बनाया जा रहा है वहाँ से मात्र 5 किलोमीटर दूर बरही, वो कटनी जिला का है, वो भी तहसील है, और वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर सतना की सीमा लगती है। तो अमरपुर किसी भी तरीके से जो क्षेत्र के हित की बात है, जहाँ तक लोगों के लिए हित की बात है, वो दूर है। वहाँ पर जो मुख्यालय बनाया जा रहा है अमरपुर में, वहाँ से यदि हरदी का आदमी आता तो 40 किलोमीटर दूर आएगा, तो इससे बेहतर तो हमारे लिए मानपुर ही रहा है। तो हमारी आपत्ति यही है,
कि अमरपुर को तहसील न बनाया जाए और इंदवार को तहसील बनाया जाए। इसके लिए हमने यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारा ज्ञापन जो है माननीय राज्यपाल महोदय को और प्रमुख सचिव जो जो राजस्व के हैं उनको भेजा जाए और अमरपुर को तहसील बनाने के जाने के लिए स्थगन दिया जाए और इंदवार को तहसील बनाया जाए। आज ये अपना जो तहसील कार्यालय है नवीन तहसील बनना है उसमें इनवार के लिए हम तो ज्ञापन दिए हैं कि इनवार में तहसील बने। वहाँ कॉपरेटिव बैंक है, थाना है और शासकीय अराजी की ज़मीन भी उपलब्ध है, इसलिए हम चाहते हैं कि इनवार तहसील बने तो वो मध्य में रहेगी। क्या समझ रहा हूँ? नहीं, वहाँ अमरपुर वहाँ कटनी जिला बॉर्डर में लगा हुआ है अमरपुर, इसलिए मध्यांतर में बनना चाहिए और यहाँ ज़मीन भी उपलब्ध है, इसलिए हम हमारे क्षेत्र का विकास होगा तो इन बार में बन